गाइस आज जा रहे हैं अपन उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने और साथ में आपको दिखाएंगे महाकाल लोक। तो अभी निकली है घर से, ये अपना सोगलिया का रास्ता, तैयारी चल रही, मोदी जी आने वाले। गाइस मोदी जी आ रहे, तो डिवाइडर उखाड़ दिए, अब इनको मस्त बना के पौधे वोधे लगाएंगे इधर। तो देखते हैं जब तक मोदी जी आएंगे जब तक इनका काम हो पाता है कि नहीं। गाइस जाम लिए जा रहे हैं, नरम नरम जाम, मसाला वसाला डलवा के लेंगे। नरम नरम जाम छाटे आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आना किलो। तो गाइस जाम लिए जा रहे हैं, काट दो, नमक लगा दो, मिर्ची भी रख देना। तो गाइस जाम आ चुके अपने, इनको उड़ाते हैं और आपसे मिलते हैं उज्जैन पहुंच के। तो गाइस जब से महाकाल लोक बना है, जब से इंदौर की पार्किंग सुधार दी गई है, लेकिन हमको हाँ उज्जैन की सॉरी, हमको जगह नहीं मिली, तो हमने बाहर साइड लगाई, शेड में हमको नहीं मिली। तो भाई पार्किंग तो कम है और जनता ज़्यादा है, तो दिक्कत वाली बात है। तो चलो प्रस्थान बोलते ना, प्रस्थान आराम करते और चलते हैं अपन महाकाल के दर्शन करने। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं महाकाल लोक के मुख्य प्रवेश द्वार। महाकाल लोक में शायद अभी कोई चार्जेस नहीं लग रहे, तो अपन एंट्री लेते हैं अपनी, फिर आपको बताएंगे कि क्या सीन है। शायद चार्जेस लग भी रहे हो गाइस, हमें नहीं पता। तो अंदर चलते हैं, आपको वहीं की वहीं दिखाएंगे। तो गाइस एंट्री ले चुके हैं अपन महाकाल द्वार में, महाकाल लोक में। तो ऐसा है कुछ त्रिवेणी ये ना वो, बाकी इधर पिक्चरें बनी है दीवार पे, और कितना गलत। अब आगे देखते हैं, आगे चल के दिखाते हैं आपको और क्या है। तो गाइस मेन महाकाल लोक होता है शुरू यहाँ से अपने गणपति जी की मूर्ति से। तो गणपति जी से शुरुआत होती है हर जगह की, तो यहाँ पे भी गणपति जी की मूर्ति है। और ये रहा मेन जो बोलते हैं अपन गेट, मेन गेट। हाँ तो यहाँ पे भी मूर्ति लगी हुई है, अभी मुझे आइडिया नहीं है किसकी है, बाकी मेन गेट। नमोस्तुते। तो गाइस यहाँ पे श्लोक भी लिखे हुए हैं मंत्र, और यहाँ पे मेन गेट देखो बहुत बड़ा है, बाकी अंदर त्रिशूल विरशूल लगे हैं। देखते हैं, चेक करते हैं काय का बना हुआ है, पीओपी का है क्या। गाइस पीओपी टाइप का है कुछ, तो ये गाइस फुब्बारे लगे हुए हैं यहाँ पे, तो आपको फुब्बारे दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा फाउंटेन, आप फाउंटेन देख सकते हैं, बहुत सही फाउंटेन है, और शिवजी हैं। तो गाइस उस तरफ जाते हैं तो शिवजी का फ्रंट व्यू दिखाएंगे आपको, बाकी यहाँ शेर वेर बना रखे हैं, एकदम फुवारा चल रहा है, पानी में थोड़ा झाग टाइप है, वरना लोग कूद भी सकते थे, लेकिन अभी कोई कूद नहीं रहा है। तो गाइस ये है फ्रंट व्यू जो आपको दिखाने का वादा किया गया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना सही दिख रहा है। तो गाइस ये हैं सप्तऋषि, आप देख सकते हैं सात ऋषि हैं इसमें, जिनमें से हम लोग भी किसी एक के वंशज हैं, क्योंकि तो ब्राह्मण इनके वंशज थे। और ये क्या काली माता हैं। हाँ तो गाइस आप ये भी देख सकते हैं कि सप्तऋषि मंडव एंड शिव स्तंभ, बीच में शिवजी का स्तंभ भी है, यहाँ पे काली माता है, और शिव स्तंभ भी दिखा देते हैं आपको। तो वो रहा शिव स्तंभ। तो गाइस ये मंडप है, मंडपन, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है त्रिवेणी मंडपम, तो आपको दिखाते हैं पहले। और यहाँ पे पूरा मंडप टाइप सजा हुआ है, बना हुआ है, सजा हुआ क्या है, तो आप ये देख सकते हैं। गाइस बना तो बहुत सही है,
और इधर साइड तालाब टाइप है, और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो मूर्तियाँ भी हैं, तो आपको उधर लेके चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे रथ है, घोड़े हैं, और ये ऊपर पूरा सीन है। यहाँ पे बीच में भी एक झगड़ा हो गया था, अब रिजॉल्व हो गया है। बाकी यहाँ पे ओपन एयर थिएटर भी है कहीं पे, नवग्रह मंडल है ये। बाकी आगे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं और क्या क्या है। तो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ से महाकाल मंदिर भी दिखता है, और ये रथ इधर साइड से भी देख सकते हो आप, बस उल्टा है थोड़ा, बाकी तो सब ठीक ही है। तो आपको ले चलते हैं अब तालाब के पास। तो गाइस ये तालाब भी है, यहाँ पे फव्वारे लगे हैं, बीच में एक टापू है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ खास नहीं है दिखाने लायक। तो गाइस थके लोगों के लिए यहाँ पे गाड़ी की भी सुविधा है, जो थकेले टाइप के लोग हैं ना, चल नहीं पाते ज़्यादा, उनके लिए गाड़ियाँ हैं। सीनियर सिटीजन तो बेचारे बैठ ही नहीं पा रहे, जवान थकेले लोग बैठे हुए हैं यहाँ। और शिव जी की एक और स्टैचू, शिव जी की एक और स्टैचू, वो भी पीछे पंडित प्रदीप मिश्रा जी गए, आप अगर ध्यान से देख पाए हो तो। बाकी हमने उनका एक ग्लांस लिया है, आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उनके दर्शन भी मिल जाएंगे। बाकी अब गाइस लगता नहीं है कुछ ज़्यादा है, अब बस मूर्तियाँ हैं, और फिर अपन सीधे महाकाल द्वार पहुँच जाएंगे, तो चलते हैं। तो गाइस ये रावण की मूर्ति, रावण के ऊपर शिव जी बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं। और गाइस ये तबका है जब शिव जी ने विष पिया था समुद्र मंथन से, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो गाइस ये है जूता स्टैंड, तो यहाँ पे जाके जूते रखते हैं अपने, फिर अपन चलेंगे अंदर दर्शन के लिए। तो गाइस फाइनली अपन आ चुके हैं अंदर, अब अपन चलेंगे लाइन में, और आपको बताएंगे फिर कि कितनी देर लगी दर्शन के लिए। तो चलते हैं, आप यहाँ से अंदर देख सकते हैं कि अंदर भी ठीक ठाक भीड़ है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइन बहुत ज़्यादा हो रही है, और वहाँ सामने टीवी लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि वीडियो चल रही है, तो आपसे मिलते हैं आगे चल के। तो आप देख सकते हैं कि अंदर की आरती की वीडियो है यहाँ, तो आप देखिए। तो आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अथाह भीड़। तो आपको आगे चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। दर्शन हो चुके हैं अपने, अब जा रहे हैं वापस जूते लेने, और जूते लेते हैं फिर शायद सीधे घर निकल जाएंगे। तो आई थिंक आज का व्लॉग इतना ही रहेगा, तो आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जय माता दी।